नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमालिया। इस वक्त हम बात करने वाले हैं गोरखाओं को लेकर एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्शियल सी न्यूज के बारे में। जब आपके ऊपर कोई अंगुली उठाए या फिर जब आपके हक छीनने की कोई कोशिश करे या फिर ऐसे कहें कि आपके आत्म सम्मान को कोई ठेस पहुंचाए तो गुस्सा आना जायज होता है। और कुछ ऐसा ही यहाँ पे नेपाली गोरखाओं के साथ हुआ है और उनका गुस्सा भी जायज है। दोस्तों, ये मैटर कहाँ से शुरू हुआ और जिसके कारण यहाँ पे गोरखाओं को गुस्सा आया। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि नेपाली गोरखा जो कि इंडियन आर्मी में आने के बाद यहाँ पे शिफ्ट भी हो चुके हैं और कुछ मान्यताओं के अनुसार बहुत से गोरखा जो कि इंडिया में पहले से निवास करते हैं। दोस्तों, भारत की एक एनजीओ ने बड़ा विवाद क्रिएट करके खड़ा कर दिया है। क्या है वो पूरा विवाद, विवाद को पूरा जानेंगे विस्तार से, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमें पता है कि नेपाल की जो लैंग्वेज है वो नेपाली लैंग्वेज है और जो नेपाली लैंग्वेज है वो भारत के अंदर भी बहुत से क्षेत्रों में बोली जाती है। इसी वजह से यहाँ पे जो भारत है वो काफ़ी ज़्यादा विविधता वाला देश है। वहाँ पे केवल हिंदी ही नहीं बोली जाती बल्कि इंग्लिश, पंजाबी, हरियाणवी, राजस्थानी, नेपाली, गुजराती, मराठी, सिंधी, कुल मिलाकर बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, जिसके अंदर 22 भाषाएं ऐसी हैं जिन्हें राष्ट्र के अंदर यहाँ पे अनुसूची के अंदर शामिल किया गया है और उन्हें यहाँ पे अपनी जो लिपि होती है उसके कारण सरोकार माना गया है और भारत की भाषाओं के अंदर शामिल किया गया है। भारत की राजभाषा जरूर हिंदी है लेकिन उसके अलावा भी 22 भाषाएं और हैं जो कि यहाँ पे भारत के अंदर मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, उसमें से एक भाषा नेपाली भी है। और दोस्तों, ये बात बस इसी के ऊपर टिकी हुई है। मैं आपको बता दूं कि अखिल भारतीय महिला सम्मेलन में एक बड़ा विवाद इसलिए हो गया क्योंकि वहाँ पे जो अपने अवगत करवा दें कि सदस्य की टिप्पणी की निंदा करी गई है और यहाँ पे गैर सरकारी संगठन अखिल भारतीय महिला सम्मेलन जिसे यहाँ पे AIWC के नाम से जाना जाता है, गोरखाओं के बीच एक समिति सदस्य द्वारा समुदाय के कलाकारों के प्रदर्शन को खारिज करने पर नाराजगी जताई है। दोस्तों, हुआ यूं कि इस सम्मेलन के अंदर प्रोग्राम्ड थे, जो प्रोग्राम थे उनके लिए एक यहाँ पे स्पीशियंट कह सकते हैं है कि ऐसी लैंग्वेज का यूज किया जा सकता है जो कि भारत के अंदर मान्यता प्राप्त है, यानी कि गैर भारतीय जो लैंग्वेज है उन्हें नहीं बोली जा सकती। अब यहाँ पे गोरखाओं के जो अखिल भारतीय युवा परिषद के अनुसार जब उन्होंने यहाँ पे AIWC को इस कार्यक्रम के अंदर यहाँ पे अपने उस महोत्सव के लिए कुछ मटेरियल भेजा या फिर ऐसे कहें कि जो गायकार हैं उनके गाने भेजे तो उसे अस्वीकार कर दिया गया। और उसका जो अस्वीकार करने का जो यहाँ पे रीजन था वो ये दिया कि इस प्रोग्राम के अंदर सिर्फ और सिर्फ भारतीय लैंग्वेज ही यूज हो सकती है, इसके अंदर गैर भारतीय भाषाओं को प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे ये जो मुद्दा उठा उसके अंदर एक रीजन और भी था कि जो गोरखा थे उन्होंने यहाँ पे नेपाली भाषा के अंदर राष्ट्रगान को भी भेजा था जिसके कारण इससे विरोधाभास हुआ और उन्होंने यहाँ पे जोर देकर ये भी कहा कि कलाकार नेपाली में गाना गाया, राष्ट्रगान नहीं भेजा जा सकता क्योंकि भारत की भाषा नहीं है। अब यहाँ पे भारत की भाषा नहीं है ये शब्द काफी ज्यादा लोगों को हर्ट करा और खासतौर पर गोरखाओं को काफी ज्यादा हर्ट करा। अब यहाँ पे जब जो AIWC है उन्होंने कहा कि प्रबंधन को मामले से अवगत करवा दिया गया था बाद में और वह अपने सदस्यों की टिप्पणी की निंदा भी करते हैं। दोस्तों, जब गोरखाओं ने ये ऐसा कहा कि ये भाषा भारतीय भी है, भारत की मान्यता प्राप्त भाषाओं में से है, तो उसके बाद में जो यहाँ पे NGO था उसने माफ़ी भी मांगी जिस बंदे ने ये बात कही थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये कंट्रोवर्सी तो पैदा हो ही गई थी एक बार के लिए। यहाँ पे हम सदस्य द्वारा दिखाई गई अज्ञानता का कड़ा विरोध करते हैं और निंदा करते हैं, ऐसा यहाँ पे AIWC ने कहा था बाद में, और सभी सदस्यों की ओर से हम गोरखा भाइयों से बिना शर्त माफी मांगते हैं। दोस्तों, माफी भी मांग ली गई है, जो कि सबसे बड़ी मुझे पॉजिटिविटी लगी इस संस्था की AIWS की, क्योंकि उन्होंने कंट्रोवर्सी जो अनजाने में की वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप माफी मांग लेते हैं, आप गलती एक्सेप्ट कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप सही भी होते हैं। दोस्तों, वहीं पे अगर बात करें तो यहाँ पे दार्जिलिंग के सांसद राजू बिस्ता ने
जो सुश्री पांडे द्वारा हस्ताक्षर लिखी माफी के साथ बयान साझा किया है और अतीत में ऐसे अपमानजनक बयानों को चुनौती नहीं दी गई है और जिसके कारण हमने लोगों को बार बार यहाँ पे नक्सलवादी ताने और भेदभाव का शिकार होना पड़ रहा है, लेकिन हम अब और भेदभाव और नक्सलवाद के ऐसे कृत्यों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जो बयान है वो श्री बिस्ता ने कहा है कि इस प्रकार के अपमानजनक चीजें हम बार बार बर्दाश्त नहीं कर सकते और हर कोई ऐसा ही होता है दोस्तों, क्योंकि अपनी मातृभाषा के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति बलिदान देने के लिए खून खोलता है और जब आपके घर पर कोई आंच आती है, जब आपकी मातृभाषा पर कोई आंच आती है, जब आपकी छवि पर कोई ठेस पहुंचाता है तो गुस्सा आता है, जो कि जायज भी है। दोस्तों आपकी क्या राय इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, अगले अपडेट मिलता फिर आपके सामने जरूर। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली जगह आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।